हाय एवरीवन, मेरा नाम रुचि है और मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में व्हाट्सएप के डेटा प्राइवेसी पॉलिसी चेंजेस के बारे में। आप सोच रहे होंगे मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर होते हुए व्हाट्सएप के डेटा प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में क्यों वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि एक ऐसी सेंसिटिव टॉपिक है जो सबको अफेक्ट करती है, आपको भी और मुझे भी। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि आपके व्हाट्सएप पे एक सडन न्यू डेटा प्राइवेसी पॉलिसी चेंज का मैसेज आया था। जनरली हमें जब ऐसे लंबे मैसेजेस आते हैं हम उसे बिना पढ़े अग्री करके मूव ऑन होते हैं, पर ये मैसेज में ऐसा क्या अलग था कि ये एक नेशन ही नहीं एक्चुअली एक वर्ल्ड वाइड डिबेट टॉपिक बन गया। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी के बारे में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन मिसकंसेप्शन के बारे में, एक्चुअल पॉलिसी चेंजेस के बारे में, और एंड में मैं आपको बताऊंगी सॉल्यूशन फॉर इट। सो आप ये वीडियो को एंड तक देखें और ध्यान से देखें। तो चलिए हम फटाफट जानते हैं व्हाट्सएप की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में। जैन क्वॉम और ब्रायन एक्टिन ने व्हाट्सएप को 2009 में बनाया था। इसके बनते ही इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि 2014 में फेसबुक ने इसे $19 बिलियन में खरीद लिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कोई भी फ्री सर्विस प्रोवाइडिंग ऐप पैसे कैसे कमाती है, एड्स देके, राइट? फेसबुक का भी कुछ ऐसा ही इनिशियल प्लान था, जिसके लिए व्हाट्सएप को अपनी कुछ डेटा फेसबुक के साथ शेयर करनी पड़ती, जो कि इसके एक फाउंडर ब्रायन एक्टिन को बिल्कुल मंजूर नहीं था। तभी उन्होंने व्हाट्सएप को क्विट कर दिया और उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही सिक्योर और प्रोटेक्टिव ऐप बनाया जिसको आज हम सिग्नल के नाम से जानते हैं। क्या आपको पता है सिग्नल को एलन मस्क ने हाल ही में ट्विटर में एंडोर्स किया, और उनके एंडोर्स करते ही इसकी शेयर वैल्यू $390 मिलियन क्रॉस कर गई। तो ये थी व्हाट्सएप की हिस्ट्री। चलिए अब हम जानते हैं कुछ कॉमन मिसकंसेप्शन के बारे में। क्या मैं व्हाट्सएप में जो वीडियोस और फोटो शेयर कर रही हूँ क्या वो व्हाट्सएप देख रहा है? क्या मैं जो डॉक्यूमेंट्स और लोकेशन अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर रही हूँ वो व्हाट्सएप देख सकता है? क्या मैं जो व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज या वॉइस कॉल अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कर रही हूँ क्या वो व्हाट्सएप सुन सकता है? जवाब है नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप यूज करता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। अगर मैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन के बारे में बात करूं तो एक मैं नया वीडियो बना सकती हूं उसके बारे में, पर अगर मैं इसे एक सिंपलर टर्म्स में पुट करूं तो जो कन्वर्सेशन आप और आपके दोस्त के बीच में हो रही है वो आप और आपके दोस्त के बीच ही रहेगी, उसे थर्ड पार्टी एक्सेस नहीं कर सकती। इन दिस केस व्हाट्सएप भी आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकती। तो व्हाट इज दिस वर्ल्ड वाइड बिग डिबेट अबाउट? कुछ ऐसी डिटेल्स जो व्हाट्सएप के पास हमारे बारे में है वो इंक्लूड करती है कॉन्टैक्ट लिस्ट, सिग्नल स्ट्रेंथ, हार्डवेयर मॉडल एंड आईपी एड्रेस, जो कि एक व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप के लिए कलेक्ट करना थोड़ा ज़्यादा है। व्हाट्सएप ने रिसेंटली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी नई डेटा प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में स्टेटमेंट दिया है और ये कहा है कि दिस पॉलिसी डज नॉट अफेक्ट द प्राइवेट अकाउंट, रादर इट अफेक्ट्स द बिजनेस अकाउंट। According to the new privacy policy of WhatsApp, some big business of WhatsApp has to take hosting service from Facebook to manage their business better, to manage their chat and to provide helpful information to customers like payment receipt. If you're communicating with such business, be it via phone, email or WhatsApp, Facebook collects all your data and uses it to show you personalized ads. End-to-end encryption doesn't work in the business account as we were talking about it earlier, how it works in the personal account. अब आप इमेजिन कीजिए कि आप एक बिजनेस अकाउंट पे व्हाट्सएप में एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो आपको नेक्स्ट डे उसी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट फेसबुक या इंस्टाग्राम में दिखेगी। और अगर आप कोई अपना बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसा कि कोई कार्ड डिटेल शेयर कर रहे हो एक बिजनेस अकाउंट के साथ व्हाट्सएप पे, और अगर वो व्हाट्सएप अकाउंट लीक होता है तो आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज होने का खतरा है। जो बड़ी कंपनी है और पॉलिटिकल पार्टीज है वो हमारे पर्सनल डेटा को हमें मैनिपुलेट या ब्रेन वॉश करने के लिए यूज कर सकती है। रिसेंटली व्हाट्सएप ने अपनी नई डेटा प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट की डेट को फरवरी से मई तक एक्सटेंड कर दिया है, और उनका ये कहना है कि वो चाहते हैं कि लोग इसके बारे में थोड़ा और पढ़े और थोड़ा जानकारी ले, क्योंकि उनके हिसाब से लोगों के दिमाग में काफ़ी मिसकंसेप्शन इस नई पॉलिसी को लेकर आ गया है।
और हाल ही में हमारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जितेन जैन का इसके बारे में कुछ कहना है, जो कि मैं आपके सामने कोट करना चाहूंगी। ये कुछ इस तरीके से जाता है कि दे हैव जस्ट डिलेड द न्यू पॉलिसी बाय अ कपल ऑफ मंथ्स। इट्स ओनली अ टैक्टिक टू एस्केप पब्लिक एंगर एंड स्टॉप द मास एक्सोडस ऑफ पीपल टू अदर प्लेटफॉर्म। अब हम बात करेंगे कि हम इस डेटा ब्रीच से कैसे बच सकते हैं। तो इसका पहला सोल्यूशन ये है कि हम अपने व्हाट्सएप में कुछ चेंजेस लाएं। कुछ फीचर्स जिसे हम बहुत कम या नहीं यूज करते हैं उसे हमें डिसेबल करना है, जैसे कि कैमरा, लोकेशन या माइक। आप ये बहुत आसानी से अपने व्हाट्सएप या फोन के सेटिंग्स में जाके कर सकते हैं। सेकेंड, यूज मोर सिक्योर एप्स लाइक सिग्नल एंड टेलीग्राम व्हिच डजंट स्टोर योर कॉन्टैक्ट लिस्ट फॉर बिजनेस। थर्ड, यूज VPN फॉर डेटा सिक्योरिटी। इट ऑल्सो कीप्स योर कनेक्शन सिक्योर एंड प्रोटेक्ट्स योर डिवाइस फ्रॉम प्राइंग आईज। Worldwide, many businesses have shifted from WhatsApp to a more secured app. We know that WhatsApp is a very integral part of our lifestyle and the shift is not an easy one. In a developing country like India, we need more stringent data protection law like European Union. Till this is achieved, we need to be really mindful for ourselves because privacy is not an option and it shouldn't be the price we accept for just getting on the internet. So this was all about WhatsApp new data privacy policy. If you happen to find this video helpful and informative, share it with your friends, family and colleague. And yes, do not forget to subscribe to my channel. Thank you.